हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में कहीं भी नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप अपने मोबाइल में नेटवर्क जो आपका है उसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपको कहीं भी नेटवर्क का प्रॉब्लम आता हो तो मैं आपको एक सेटिंग बताऊँगा, वो सेटिंग करके आपका जो नेटवर्क की स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये मेरा जो वीडियो है वो आप पूरा एंड तक देखिए। कि आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे जो बाजू में बेल आइकन आता है उसे भी एक बार प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि अभी का जो समय है वो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। तो हम पूरे दिन में हमारी लाइफ में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं और इसी टेक्नोलॉजी में हम स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें हमें कहीं पे भी नेटवर्क की ज़रूरत रहती है ताकि हम इंटरनेट जो है वो अच्छे से यूज़ कर पाए। जब हम अपना काम कर रहे होते हैं तभी नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा आती रहती है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि वो ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल में, वो सेटिंग आप कर सकते हो जिससे आपके मोबाइल में नेटवर्क अच्छा खासा चल सकता है, मतलब आपकी नेटवर्क की जो स्पीड है वो एकदम अप हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वो ट्रिक आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा और क्या सेटिंग करना है अपने मोबाइल में। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग में। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको आना है यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स में और ये आपको यहाँ पे एसएस पॉइंट नेम में आना है। एपीएन सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जियो नेट इंटरनेट करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये अपने आप जो जियो नेट सिलेक्ट करता है इंटरनेट के लिए, जो भी नेटवर्क यहाँ पे सर्च करके वो सिलेक्ट करता है अपने आप, तो वही अभी लगा हुआ है। तो यहाँ से हमें चेंज करने के लिए यहाँ पे न्यू एपीएन करना है और उसके बाद हम यहाँ पे नेम सेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट सेट, मतलब यहाँ पे कोई नाम सेट किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे जियो लिखना है, मतलब आपको इस तरह से लिखना है www.jio.com। आप अगर जियो का सिम यूज़ कर रहे हो तो jio.com लिखना है, वोडाफोन का यूज़ कर रहे हो तो vodafone.com यहाँ पे टाइप करके सेव करना है और यहाँ पे ओके कर दीजिए। फिर यहाँ पे एपीएन है वो भी आपको सेट कर देना है, यहाँ पे आपको खाली जियो नेट लिखना है और नेट को आपको एन कैपिटल में और जियो जो है वो स्मॉल में रखना है, इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओके कर दीजिए और उसके बाद आप ये प्रॉक्सी में कुछ नहीं करना है, पोर्ट में भी आपको कोई सेटिंग नहीं करना है। यहाँ पे यूज़र नेम में आना है फिर और यहाँ पे यूज़र नेम में आपको टाइप करना है www.google.com, इसे सेव कर देंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे पासवर्ड में कुछ नहीं करना है। सर्वर में भी हमें यहाँ पे सेम ही यहाँ पे लिखना है www.google.com, ऐसे करके इसे ओके कर देना है और फिर यहाँ पे सर्वर के बाद MMSC, यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग नहीं करना है, MMS इसमें भी कुछ नहीं करना है और ये MCC जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं MCC जो है यहाँ पे 405 ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 405 ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इतना ही रखना है आपको। आप 5 और 6 कुछ भी रख सकते हो, या तो 5 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए। और यहाँ पे MNC में आप देख सकते हैं यहाँ पे 8
57 है तो यहाँ पे आपको रखना है 865, फिर ओके कर देना है। ये सेटिंग में भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको APN प्रोटोकॉल में APN टाइप में यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको इस तरह से पूरा जो सेटिंग है वो सेटिंग कर देना है, और सेटिंग करने के बाद आप यहाँ से सेव करना है आपको। फ्रेंड्स ये आप याद रखिएगा कि आपको सारी सेटिंग करने के बाद सेव ज़रूर करना है, ताकि ये जो सेटिंग हमने किया है वो सेव हो जाए और उस टाइप पे ये जो हमारा सेटिंग है उस टाइप पे हमारा फिर नेटवर्क चलेगा। तो ये आप सेव करना मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो अभी हमें इसे एक बार रिस्टार्ट कर देना है हमारे मोबाइल को। ये पूरा जो सेटिंग है वो सेटिंग करने के बाद आपका फ़ोन है वो हमें रिस्टार्ट करना पड़ता है, और रिस्टार्ट करने के बाद आप जैसे ही फ़ोन चालू करोगे और आप नेटवर्क की स्पीड एक बार ट्राई करोगे तो आप देख सकते हो कि इसकी स्पीड जो है वो एकदम फास्ट हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर फिर भी आपकी नेटवर्क की स्पीड नहीं आती है तो आप एक और ट्रिक ले सकते हैं कि आप जो भी कंपनी का सिम कार्ड यूज़ कर रहे हो उस कंपनी में कॉल करके कंप्लेन कीजिए कि आप जो भी आपको एप्लीकेशन के लिए नेटवर्क चाहिए होता है, आप कभी भी कोई एक एप्लीकेशन या तो कोई भी वेबसाइट पे आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप सेटिंग मंगवा सकते हो कंपनी में कॉल करके, वो भी एक अच्छा आइडिया है। तो आप इस तरह से अपने मोबाइल में नेटवर्क का जो सेटिंग है वो करके नेटवर्क का मज़ा ले सकते हैं अच्छे से, और आपका जो वर्क है आप जो भी काम कर रहे हो उसमें नेटवर्क की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करता रहूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।